हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा शॉपिंग बैग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैन कपड़ा लिया है और बीच में मैंने फोम रखा है और नीचे की तरफ अत्तर रखा है। तो अब हम यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में सिलाई को लगा लिया है, ठीक है। इसकी लंबाई 12.5 इंच है और चौड़ाई हमने रखी है 9 इंच। तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, एक पार्ट को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक बराबर हमें इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो निशान हम यहाँ पर 3 इंच पर लगा देंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरह से तिरछे में कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक पार्ट को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और चौड़ाई की तरफ से भी हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गुलाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है, ठीक है। इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की एक पट्टी ली है और ये भी पट्टी हमें लेनी है, ठीक है, 2 इंच चौड़ी। तो अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो पूरी गुलाई में हम यहाँ पर और ये भी पट्टी को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने और भी पट्टी को सिल लिया है, बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से गुलाई में पट्टी को सिल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको फिर से उल्टा रखेंगे और फिर से और भी पट्टी को यहाँ पर रख के सिलाई लगा देंगे, बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी सिल ली है, इसी तरीके से यहाँ पर भी पट्टी को सिलेंगे। तो यहाँ पर भी हमने पट्टी को सिल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ कुछ इस तरह से गुलाई करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, लंबाई नाप लेते हैं, ठीक है। इसमें हमें अलग से पट्टी लगानी है। तो इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर आ रही है 25.5 इंच। तो 25.5 इंच की हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है और इसको मैंने ऊपर से भी फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। सीधी तरफ से हमें इस पट्टी को रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो पूरे में हमें सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर जो हमने फोल्ड किया है तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से सिल लेते हैं। तो हमने एक पार्ट में पट्टी को सिल लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से और भी पट्टी को लेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से शॉपिंग बैग को बनाया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है, और फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो पूरी पट्टी को हमें फोल्ड करके सिलाई को लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरा पार्ट लेंगे और इसको भी हमें यहाँ पर रख के सिल लेना है, ठीक है, और इसमें पट्टी को भी सिल लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पट्टी को भी सिल लिया है। तो यहाँ पर हमारा शॉपिंग बैग है वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ भी शॉपिंग बैग बना सकती हैं, इसी तरीके से बड़ा भी शॉपिंग बैग बना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।